पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि पारस अब फाइनली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ही अलग थलग चल रहे पारस को अब न तो बीजेपी और न ही नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं। पारस की पार्टी के नेताओं की माने तो नीतीश कुमार उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कभी मोदी नीतीश के पारस रहे पशुपति एकदम से साइडलाइन क्यों हो गए। 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत की तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास औहदे का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई लेकिन अब न पारस के पास पद है और न ही प्रतिष्ठा। चलिए जानते हैं कि किन तीन फैसलों ने पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहला है सीट बंटवारे में जिद पड़े रहना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौते की कवायद शुरू की। बीजेपी का मानना था कि पासवान के जो वोट बैंक हैं वो मजबूती से चिराग के साथ इंटैक्ट हैं। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। समझौते में चिराग पासवान को मनपसंद की 5 लोकसभा सीटें दी गई। चिराग 2024 लोकसभा की इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। दूसरा है आरजेडी से भी समझौता न कर पाना। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन करने की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लालू का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मजबूत जनाधार नहीं है और न ही पारस की पार्टी के सिंबल को लोग जानते हैं। क्योंकि ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच पारस के एक सांसद वीणा देवी चिराग की तरफ शिफ्ट हो गई जिससे उनकी मोल भाव करने की स्थिति और कमजोर हो गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से भी सीटें नहीं मिल पाई। आखिर में चुनाव न लड़ने का फैसला एक कारण हो सकता है। इंडिया और एनडीए से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि एक सियासी तौर पर नेता के लिए ये एक सुसाइड की तरह फैसला है। पशुपति के चुनाव न लड़ने से इन अटकलों को और ज्यादा बल मिला जिसमें उनके पास जनाधार न होने की बात कही जा रही थी। चुनाव न लड़ने का फैसला कर पशुपति पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग के साथ मजबूती से मैदान में उतरी एनडीए ने पशुपति को भाव देना बंद कर दिया। पशुपति चिराग से बगावत कर आए तो एनडीए में लेकिन मार्फत नीतीश ही बने रहे। वैशाली की सांसद वीणा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोजपा टूट की स्क्रिप्ट तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के घर पर लिखी गई थी। हजारी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं। नीतीश और पारस का साथ 2024 तक बना रहा लेकिन जैसे ही एनडीए में नीतीश को सीएम फेस घोषित किया वैसे ही नीतीश पारस से दूरी बनाने लगे। नीतीश विधानसभा चुनाव में चिराग से टकराव नहीं लेना चाहते थे। 2020 के चुनाव में 40 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार चिराग की वजह से ही हार गए। पशुपति पारस के पास अभी खेल करने के लिए विधानसभा 2025 का चुनाव है। पारस ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है तो 2025 के चुनाव में वो अकेले 243 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक चलने वाली पारस की मीटिंग में इस पर रोडमैप तैयार किया जा सकता है। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है। जाति का दलित बहुल 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। पारस अगर यहाँ कुछ कर पाए तो खेल हो सकता है। ये खबर आपके लिए लिखी थी अविनीश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।